हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विपाक्षी और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट के बारे में। टैरो रीडिंग करती हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताती हूँ और करंट एनर्जीज की रीडिंग करती हूँ। सो आज का ये वीडियो है मेरे सारे लवली लियोज के लिए। देखते हैं मार्च 2023 लियोज के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। ये एक लाइव रीडिंग है, मैं कोई स्प्रेड निकाल के नहीं रख रही हूँ। जो एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स बताएंगे वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए अपने लाइफ में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं लियोज के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है। ओके, एक बार मास्टर गाइडेंस भी ले लेते हैं। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, लेट्स सी। ओके, सो लियोज, ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड आया है आपके लिए मार्च के महीने के लिए। ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यही एनर्जीज रहने वाली है। आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। स्पेसिफिकली ये रिलेटेड टू फाइनेंसेस है, रिलेटेड टू प्रमोशन हो सकता है, कोई डील को क्रैक करने की एनर्जी हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने की बात हो सकती है, या फिर आपने अब्रॉड मूव करने के लिए भी बहुत इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत करी है उस चीज़ के पीछे, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग किया है, बहुत कुछ किया है आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बेसिकली मुझे अब्रॉड ट्रैवल का ही अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसमें, बट ट्रैवल करने के अलावा, वर्क रिलेटेड ट्रैवल के अलावा, ये आपके प्रमोशन, आपके कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसी डील जो इंटरनेशनल डील हो, ये ऐसी चीज़ एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब वो टाइम, आपने उसके अंदर इतनी मेहनत करी है, आपने उसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ देखी है, इतना मैनिफेस्ट किया है, हर हर्डल को क्रॉस करने की कोशिश की है पूरी पूरी ताकत लगा के। कहते ना, हर पहाड़ चढ़ाया आपने, हर नदी क्रॉस की है इस चीज़ को पाने के लिए। अब वो टाइम आया है कि वो मैनिफेस्ट होने वाला है आपका। आप मैनिफेस्टेशन के बहुत 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 करीब हो। वो जो प्लांट आपने लगाया था वो अब रीप होने ही वाला है, मतलब वो फूल अब खिलने ही वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो रहे हो, आप हताश हो रहे हो। ये टाइम हताश होने का नहीं है, ये टाइम बिल्कुल भी निराश होने का नहीं है। ये देखो करेज का कार्ड आया है, करेज रखना है आपको, क्योंकि अब ये मैनिफेस्ट होने वाला है, इसका काम शुरू हो चुका है। यूनिवर्स ने आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। अब बस आपको अगस्त तक वेट करना है। काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ये तो रही इन स्प्रेड्स की बात, चलिए देखते हैं कि आपके ओवरऑल इन जनरल फाइनेंसेस और रिलेशनशिप इस महीने कैसा होने वाला है। अगर हम करियर की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, इस महीने आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने वर्क को लेकर होने वाले हो। कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो,
शुरू हुआ नहीं है अभी तक, अभी तक आप प्लानिंग मोड में हो कि कब आप शुरू करोगे, कैसे शुरू करोगे, बट बहुत जल्दी उसको शुरू करोगे। मेंटल प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस वक्त आपके माइंड में, और आप आपका पूरा फोकस जो है इस टाइम बिल्कुल काम में है और अर्निंग्स में लगा हुआ है, जो कि आपको बेनिफिट भी देगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके लाइफ में थोड़े से स्ट्रेस और हर्डल्स लेके आ सकते हैं। उसको आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ओवरकम करना है, ताकि आप जो भी सोच रहे हो इसमें आपको सक्सेस मिल जाए और मिलेगा। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप में आप पहले से कई ज़्यादा हम्बल हो चुके हो, आपके अंदर एक चेंज आया है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, आप चीज़ों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली निभाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका फैमिली है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन शायद एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कंट्रीब्यूशन 30% था, अब उसको आप 80% करने की कोशिश कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप में आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पिछले महीने का गाइडेंस आपके लिए यही था कि आपको ट्रांसपेरेंट होना है, एक्सप्रेस करना है और थोड़ा हम्बल रहना है। सो, ये आप डेफिनेटली इस महीने कर रहे हो, जो कि आपके रिलेशनशिप को एक उड़ान देगा, एक बहुत अच्छी एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, एक खिटपिट चल रहा था, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। कोई नया रिलेशनशिप अभी इस टाइम पे शुरू नहीं हो रहा है आपका, इसको अभी अगले एक दो महीने लगेंगे। इन मार्च के महीने में कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर नहीं करोगे, बट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होगी, ट्रस्ट होगा, बिलीफ होगा, लव होगा, एक कंफर्ट लेवल क्रिएट होगा। ये रही आपकी रिलेशनशिप की बात। ओवरऑल अगर मैं ये पूरा महीना देखूं, तो ये महीना एक अच्छा महीना होने वाला है, मोर फोकस टूवर्ड्स योर करियर एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर। चाहे वो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट की बात हो या करियर में इन्वेस्टमेंट की बात हो, आप अपना 100% एफर्ट्स दे रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे भी आप इसमें एफर्ट्स दोगे, जो मुझे दिख रहा है, और यहीं से आपके लाइफ का एक न्यू शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ स्टेबल और सिक्योर होने वाली है। लक तो आपके साथ हमेशा से था, अब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों आपके लाइफ में अब से आने वाला है। चलिए, अब बारी है स्विचवर्ड की। मार्च के महीने के लिए कौन सा स्विचवर्ड है जो आपको चार्ट करना चाहिए, स्क्रीन में इस वक्त वो स्विचवर्ड आ रहा होगा। इसको आप अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर रख लीजिए, या फिर आप इसको चांद कीजिए, बट इस स्विचवर्ड का अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने अच्छे एनर्जीज़ को एम्पलीफाई कर सको और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर सको। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए एंजल्स ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, स्पिरिट गाइड्स ब्लेस यू।